नंबर क्या है समाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं तो समाजीकरण की प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं पहला होता है समाज के नियम को सीखना समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करना सामाजिक आवृत्तियों का विकास शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 350 ग्राम होता है स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1400 ग्राम होता है छह माह में बालक का वजन कितना हो जाता है तो छ माह में बालक का वजन जो है जन्म के समय के वजन का दो गुना हो जाता है एक वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है तो एक वर्ष में बालक का वजन जन्म जन्म के समय के वजन का तीन गुना हो जाता है जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है तो बालक की लंबाई जो है बीस इंच होती है और लड़कियों की लंबाई जो गया गया होती है 19.5 पॉइंट फाइव इंच होती है मानव के अस्थाई दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं तो बीस होते हैं मानव के अस्थाई दांत कितने होते हैं तो बारह होते हैं किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं तो किशोर अवस्था में चार दांत आते हैं इन्हें जो है अक्ल की ढाड़ भी कहते हैं बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था तो जीन पियाज ने दिया था बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था तो गोलमैन ने दिया था बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था तो आईजे ने जो दिया था किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है तो यह जो है यौन संबंधी समस्या होती है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो किशोरा अवस्था के बाद शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है तो बाल्यावस्था जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं तो यह जो है किशोरावस्था की सूचक होती हैं विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है तो यह जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है यह कथन किसका है यह कथन जो है ड्रेवर का है शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है तो फीमर है जो कि जांग में होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है तो स्टैपीज है जो कान में होती है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है तो जो है मंडीवल है जो कि जबड़े में होता है जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है तो हल्का गुलाबी होता है और पंद्रह दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है नवजात शिशु कितने घंटे सोता है तो नवजात शिशु जो है अट्ठारह से बीस घंटे सोता है किंतु हर दो घंटे में जाकर वो अपनी मांसपेशियों को घुमाता है बालक का विकास छः वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है तो नब्बे परसेंट जो है हो जाता है बालक का विकास दस वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है तो नाइन्टी फाइव परसेंट हो जाता है बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं तो बाल अवस्था में बालक की हड्डियां की संख्या दो से तीन तक होती है निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा तो 25 परसेंट बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है तो बालकों की विक, भाषाई विकास से क्रम होता है पहले रोना होता है फिर बबलाना होता है फिर हावा होता है बालक सबसे पहले क्या बोलता है तो बालक सबसे पहले व्यंजन वह सबसे पहले माँ बोलता है बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है तो बालक सबसे पहले माँ की आवाज़ को पहचानता है इसे ही जो है मातृभाषा कहते हैं बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है तो पाँच वर्ष की उम्र में बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है तो अपने परिवार से होता है छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है तो पचास हजार शब्दों तक होता है दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है तो अस्सी हजार शब्दों तक होता है लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं तो भाषा के सीखने के साधन देखिए निम्न है पहला है अनुकरण द्वारा दोहराकर, खेल खेल विधि द्वारा कहानी सुनकर वार्तालाप द्वारा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं तो कौन सी उम्र तक सीख जाती है छह वर्ष की उम्र तक सीख जाती हैं भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो लिंग होता है वृद्धि होता है स्वास्थ्य होता है जन संचार का माध्यम होता है सम समूह का प्रभाव होता है सामाजिक आर्थिक स्थिति होता है पारिवारिक संबंध होता है विद्यालय होता है और आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव होता है मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या होता है तो बुद्धि का होता है बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था तो बुद्धि के, को, सब के को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया तो अल्फ्रेड बीने ने 1904 में समझाया था मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया तो अल्फ्रेड बीने ने जो है किया इन्होंने बुद्धि के दो प्रकार बताए पहला मानसिक आयु बुद्धि बताया दूसरा जो है वास्तविक आयु बुद्धि बताया अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे यह फ्रांस के निवासी थे अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे यह मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था इनके सहयोगी कौन थे स्टर्न थे टर्मन थे और साइमन थे बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया तो स्पीयर मैन ने जो है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत दिया था बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत जी कारक सिद्धांत है और एक हमारा एस कारक सिद्धांत है गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है यह कौन अधिगम स्थानांतरण है यह जो है धनात्मक स्थानांतरण है शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है तो समूह परिचर्चा द्वारा हो सकता है स्थानांतरण में समानीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था तो सी एच जुट ने प्रस्तुत किया था मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की प्रक्रिया का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है निर्देशन का अर्थ है निर्देशन का अर्थ क्या होता है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना बच्चों में बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई तो किसके द्वारा की गई जिन पीआजी के संज्ञानात्मक सिद्धांत के द्वारा की गई विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किससे संबंधित है तो यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए तो धैर्य और दृढ़ता को बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व तो में परिवर्तित समझने लगते हैं तो किस में परिवर्तन समझने लगते हैं द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है तो सौ हो जाता है बारह वर्ष के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है तो लगभग बारह सौ साठ ग्राम होता है जबकि जो है स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार चौदह सौ ग्राम होता है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो मनुष्य के शरीर में जो है दो हड्डियां हड्डियाँ होती हैं जबकि बालक के समय बालक में जो है दो हड्डियां हड्डियाँ होती हैं और बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियाँ 350 होती हैं बालक के विकास की दशा कैसी होती है तो बालक के विकास की दिशा जो है सिर से पैर की होती है इसे जो है केंद्रा से बाहर की ओर कहते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है सिंगम फ्राइड है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है तो किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा तो स्टेनले हॉल ने कहा था नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो कोहल बर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया तो मैकडोनल्ड ने जो है दिया और इन्होंने चौदह मूल प्रवृत्तियाँ बताई संवेग क्या है तो मन की उत्तेजना दशा को संवेग कहते हैं जैसे क्रोध हो गया खुशी हो गया व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया तो किसने दिया था काल रोजन ने दिया था वह जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है उसे जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है तो ये जो है अपसारिक चिंतन से संबंधित है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है तो यह जो संज्ञानात्मक गतिविधि है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है यह कथन किसका है यह कथन जो क्रो और क्रो का है चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे उसको तार्किक चिंतन कहेंगे पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है तो सात वर्ष तक होता है किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती बढ़ती है तो तर की बढ़ती है की प्रधानता के इस बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है तो दो वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होता है किसी छात्र का बौद्धिक विकास शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास उनकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है तो यह जो है आंतरिक कारक है माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं तो उसको हम लोग जो है वंशानुक्रम कहते हैं अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है तो जब व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो सिगमन फ्रायड को कहा जाता है अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है तो लुई ब्रेल को कहते हैं सर्व एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है तो बाल्यावस्था में होता है मैगडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेक से है तो आश्चर्य से है अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है तो मारिया मरी को कहा जाता है एल व यू पद्धति के जनक हैं तो फ्रॉबेल हैं जिन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो यह जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे तो यह संज्ञानात्मक के के विचारधारा समर्थक थे बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया किसने दिया था थर्स ने दिया और इनके अनुसार जो है सात प्रकार की बुद्धि होती है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया तो थॉर्न डाइक ने दिया था बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया तो गार्डनर ने, ने दिया था तो बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया तो आरबी कैटल ने दिया बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया तो थॉम्सन ने दिया था सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है यह विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है तो यह विकास के व्यक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं तो शारीरिक गठन एक अच्छी पाठ्य बचाती है बचाती है तो क्या बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह जो है बताती है क्वेश्चन क्या है पियाची के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है तो किस चरण पर करता है पूर्व संक्रियात्मक चरण पर करता है विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है उसको जो है रचनात्मकता कहा जाता है माता पिता में से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है अनुवांशिकता कहा जाता है हमारा है अंतरदर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है तो कार्यात्मक वाद से संबंधित है किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है को माना जाता है कक्षा चलने वाली अंत क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है समूह गत्यात्मकता कहते हैं साक्षात्कार का संबंध है तो व्यक्ति से व्यक्ति का व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित है तो पावलाव के जो है परीक्षणों पर आधारित है सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भूल जाए कथन है तो क्रो एंड क्रो का शिक्षा में पूर्ण से अंश की और पद्धति की संप्रदाय की देन है तो यह जो है गेस्टॉल्ट की देन है मनोविज्ञान में महत्व है तो निरीक्षण का अंतरदर्शन का और जो है भय दर्शन का अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किया था तो थॉर्न डाइक ने किया था खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है तो किंडर पद्धति में मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है तो सिगमंड फ्रायड प्रायोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है तो यह जो प्रेरकी संप्रदाय पर आधारित है जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो क्या कहा जाता है तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए तो बालक में वृद्धि एवं विकास के रूप में सोचना चाहिए ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही लिखना है यह परिभाषा किसने दी तो क्रो एंड क्रो ने दी आत्मनिष्ठ पद्धति है तो अंतर्दर्शन विधि है अपने अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है तो जेम्स का है अधिगम की प्रभावशाली विधि है करके सीखना अवलोकन विधि व्याख्यान वाद विवाद विधि यह ये ये जो है अधिकम की प्रभावशाली विधियां है छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी थी तो किसने दिया था मनोविश्लेषणवाद ने जो है दिया था कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है तो विलियम जेम्स जो है संबंधित है कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है तो ई एल जो है संबंधित है रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है रमेश अंकित से जो है दो वर्ष छोटा है यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी 12 वर्ष होगी छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है तो अवलोकन है कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है तो इसको यह क्या कहलाता है तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है टॉलमैन ने अधिगम की कितने प्रकार बताए तो इन्होंने अधिगम की छह प्रकार बताए जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाती है तो केस स्टडी विधि कहलाती है पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो चिकित्सात्मक विधि के द्वारा जो किया गया था ईद ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं तो फ्रायड हैं का दोष पाया जाता है तो निरीक्षण विधि में पाया जाता है जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है तो सरल रेखी बाल अपराधियों की उपचार क्या क्या है तो क्या है मनोवैज्ञानिक विधि है सामाजिक शास्त्रीय विधि है और वैधानिक विधि है अगला प्रश्न क्या है समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं तो वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिनके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं जैसे कक्षा में देरी से आना स्कूल से भाग जाना कक्षा में अधिक बातें करना अधिक क्रियाशील होना और गृह कार्य करके न लाना कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना ये सभी जो होता है समस्याग्रस्त बालक के गुण होते हैं व्यक्तित्व विकास की अवधारणा है तो अधिगम एवं बुद्धि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि का संबंध है विकास से है तनाव एवं क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था है बालक का विकास परिणाम है तो वंशानुक्रम वातावरण की अंत क्रिया का एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी तो 120 होगी शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो मंडल है श्यामपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो अच्छी लिखावट जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि सात से ग्यारह वर्ष तक होती है वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है तो विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं इसका श्रेय किस इस विद्वान को जाता है तो जिन पियाजे को जाता है आकलन को उपयोगी और रोचक तो प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और जो है क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है यह किस विद्वान ने कहा था तो यह कथन जो है स्ट्रेंग ने कहा था नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया यह कथन है यह जो है वुडवर्थ का कथन है द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया तो सफीर ने जो है किया बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है तो केशल स्टडी कौन सा विभेद सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्राकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है तो असात्य सिद्धांत अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा तो आत्मसात करेगा व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा समान्यकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है तो विभेदात्मक विभे विधि द्वारा किया जाता है संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित संयोजन का कार्य मानता है यह कथन किसका है तो रेन का है क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण में समान तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया तो स्पीयर मैन ने जो प्रस्तुत किया वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है तो उसको हम लोग मिश्रित विधि कहते हैं स्वामित्व तो अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया तो ब्लूम ने किया संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो कौन थे विलियम बूट थे अपने सिद्धांत का नाम आदर्शो मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया तो डब्ल्यू सी वागले ने जो है दिया जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है तो वह जो है नियंत्रित अवलोकन कहलाता है ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया तो कौन सी विधि का निर्माण किया था विधि का निर्माण किया था प्रयोगात्मक पद्धति की कमी क्या होती है तो प्रयोगात्मक पद्धति की कमी जो होती है अपने दोषों को छिपाना होती है मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं सीखना संबंध स्थापित करता है मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है थॉर्न डाई का कथन है थे ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है तो ई आर हिल गार्ड है अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है तो उच्च चिंतन जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है वह क्या होता है निदानात्मक साक्षात्कार होता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किससे संबंधित है तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है बच्चे के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाएं कि पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी तो जिन पियाजे के द्वारा की गई थी परिवार एक साधन है परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए तो शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए देखिए यहाँ शिक्षा नहीं है शिक्षक का होगा किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं तो किशोरावस्था अवस्था में प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करती है खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है इद्म में समस्या ग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है तो पहला हमारा है शिक्षक को चाहिए कि बालक बालक की ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाएं दूसरा हमारा है शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का जो है पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए और शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए सृजनशीलता के चार तत्व कौन से बताएं तो इन्होंने बताया लोचनशीलता मौलिकता अप अपसारीशीलता और केंद्राविमुख वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए तो इन्होंने पांच तत्व दिए मौलिकता अनुकूलता विचारात्मक और जो है विचारों का सहचर्य लोतशील और विविध सृजनशीलता के प्रमुख तत्व तो कौन से हैं तो मौलिकता है नवीनता है लोचनशीलता है विस्तारण करने की क्षमता है विभिन्नता है सृजनशील बालकों की विशेषता क्या क्या है तो उनकी विशेषता क्या होती है सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं और सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं और सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है और जो सृजनशील एकाग्रता पाई जाती है, उस एक है ने कहा? तो अरस्तु ने कहा बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी है तो पहली पाठशाला जो है घर एवं परिवार होती है दूसरी खेल का मैदान और तीसरा स्कूल होता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व तो नहीं है तो सामाजिकता एवं धार्मिकता सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है तो थॉन का सिद्धांत आता है कौन सी मनोविज्ञान मनुवग्या, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में सबसे प्राचीन विधि नहीं है तो प्रयोगात्मक विधि किसी बालक के अध्ययन की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है तो अंतरदर्शन विधि याजी के अनुसार मूर्त मु, संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है तो सात से ग्यारह वर्ष की अवधि में घटित होता है बालकों में होने का है, परिवार का वातावरण मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो के अनुसार बाल्यावस्था होती है तो बारह वर्ष तक बाल्यावस्था होती है स्कीमा पद्धति का जनक किसे माना गया है तो जिन पियाजे को माना गया है जिन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था तो इन्होंने अपने दो पुत्रों पुत्रियों और पुत्रों पर प्रयोग किया था क्वेश्चन क्या है बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक होती है शारीरिक विकास का क्षेत्र है अस्नायु मंडल विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है चार से सात वर्ष बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया तो स्टन वर्ग ने दिया और इन्होंने बुद्धि को तीन भागों में बांटा पहला जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के चार प्रकार होते हैं पहला होता है ज्ञान अविष्कार निर्देश आलोचना टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है इस्टन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है बर्गिंगम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है तो बर्गिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही जो है बुद्धि है बैसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है तो बैसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की तार्किक चिंतन करने की वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है सामान्य कितने बुद्धि कितने प्रकार की है तो सामान्यतः जो है बुद्धि तीन प्रकार की होती है अमूर्त बुद्धि मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है तो मूर्त बुद्धि को कहा जाता है स्पीयर मैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है तो स्पीयर मैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है तो बाल अपराधी बनने के कारण क्या है अनुमानसिकता भी हो सकता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना शारीरिक दोष ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं और घर का वातावरण अशांत होना कुसंगति का कारण होना और दादा दादी का जो है अधिक लाड़ प्यार होना अस्तरहीन मनोरंजन होना माता पिता का गरीब होना पक्षपात पूर्व व्यवहार माता पिता का तलाक आदि ये सब जो है अपराधी बनाता है बालक को यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्ष की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है यह कथन कथन है है तो स्टीफेंस का का शिक्षा के उद्देश्यों वर्गीकरण किया है तो किसने किया है बी एस ब्लूम ने किया है सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है तो कौन है सौंदर्यानुभूति नहीं है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया तो पावलाव ने दिया तो मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक है तो कैली एवं तो और अवृत्तियों का अर्जन है यह कथन किसका है तो क्रो एन क्रो का है शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से विकास किया है तो बी एस ब्लूम ने किया है सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है तो निरंतरता समूह गत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता थे तो कौन थे कुर्त लेविन थे वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है तो अंतोदर वक्र है शिक्षण अधिगम प्रत्यय प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं, तो कौन है आई के डेविड है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है यह कथन किसका है तो गेट्स का है पूर्व कारणवाद के जन्मदाता हैं तो वर्दिमर हैं 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है तो जड़ बुद्धि कहलाता है यौन आदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल है यह किसने कहा तो रॉस ने कहा कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है यह कथन किसका है तो हार्वेस्टर्स का है पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार, का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है यह किसने कहा तो सिरिल बर्ट ने कहा है क्वेश्चन मरा है बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है सुगमकर्ता की भूमिका होती है इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है तो पहला दिया है उच्च आत्म क्षमता इनमें होता है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना यह भी इनकी विशेषता होती है और डी देखिए क्या है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं यह भी इनकी विशेषता होती है ऑप्शन नंबर बी क्या है निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं यह विशेषता नहीं होती कुलहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है तो वह किस तरह प्रवृत्त होता है पहला दिया व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं नहीं व्यक्तिगत मूल्य की तरफ पारिवारिक अपेक्षाएं की तरफ नहीं अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ जो है प्रवृत्त होगा शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता कि व्यक्ति विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए तो शिक्षिका को क्या चाहिए पहला दिया है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना नहीं कलन विधि एल्गोरिथम का आधारित प्रयोग करना यह भी नहीं है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना यह भी नहीं विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्या है निम्नलिखित में से कौन सा बालक बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है पहला दिया है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है ये जो है है सिद्धांत होता दूसरा क्या है? सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंत क्रिया का परिणाम होते हैं यह भी सही है तीसरा देखिए सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है पहला दिया है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है तो कौन सा संबंधित है पहला दिया है अभिसारी चिंतन यह नहीं संबंधित है सार्वजनिक चिंतन यह भी नहीं संबंधित है अहंकवादी से अहंकवादी से चिंतन यह भी नहीं है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा अपसारी चिंतन क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाई की सहमत होते, तो से से होते? हैं बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक निर्धारित किया जाए नहीं बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए गलत बच्चे जन्म में शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए गलत ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चे सम वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे तो बच्चे पहला दिया है हमारा चिंतन में चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यो ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन गुणात्मक वृद्धि होती है गलत दूसरा दिया है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है यह भी गलत होगा निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यो की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं यह भी नहीं है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क तथा सूचनाओं का उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो पहला दिया है बच्चे की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि तो क्या चाहिए वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि वे अधिक कठोर परिश्रम करना है गलत उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें गलत अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें ऑप्शन नंबर सी मरा राइट हो जाएगा सूर्य सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है वह उनके तो किस में विभिन्नता के कारण है तो किस में कारण है पहला दिया है अभी नहीं तो अधिगम शैली ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा उनकी अधिकम शैली जो है अलग अलग है क्वेश्चन रहा है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा एक और दो के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है तो कौन सा कथन उपयुक्त है बच्चे में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो गलत शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है तो पहला दिया है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचना नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन, बनता जा रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है पहला दिया है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है तो यह हमारा जो है गलत है गलत दूसरा हमारा दिया है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन हमारा क्या है कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे तो यह जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे क्वेश्चन नंबर एक गिस्टाल्टी क्या है तो गिस्टाल्टी जो है जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर कोफा, शामिल हैं लेविन की संप्रदाय के समर्थक थे तो यह जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है तो क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत और स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत बाल दिशा मनोविज्ञान इन सभी नामों से जाना जाता है कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से इसका अर्थ है जैसे शिक्षा का क्षेत्र स्वास्थ्य का क्षेत्र अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया तो रॉबर्ट गेने ने दिया रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे द्विसंगज्ञानवादी तो संप्रदाय के समर्थक थे रॉबर्ट गेने कहां के वैज्ञानिक थे यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है तो इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को आठ भागों में बांटा है पहला मारा है संकेत अधिगम उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया श्रृंखला अधिगम साप्तिक अध्ययन और मरा है बहुविवेदन अधिगम प्रत्यय अधिगम सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है तो संकेत अधिगम है रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है तो समस्या समाधान अधिगम रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है तो बारह वर्ष के उपरांत पूरा हो जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया तो पावलाव ने दिया पावलॉ किस संप्रदाय के समर्थक थे व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे डमरू पर पर बंदर का किस सिद्धांत कार्य करता है तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया तो कोहलर ने प्रयोग किया कोलर के समर्थक थे संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे चूहे समर्थ पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया तो स्कीनर ने किया गर्भवती महिलाओं का वजन कितना बढ़ जाता है तो कितना बढ़ जाता है दस किलोग्राम से बारह किलोग्राम तक बढ़ जाता है मनुष्य किस प्रजाति में आता है तो होमोसेफियंस में आता है उनके समय बालक का वजन कितना होता है तो दो किलो या फिर जो है सात सौ इसको ग्राम कहते हैं या सात सेवन 7.5 फाइव पाउंड तक होता है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई तो उन्नीस सौ में हुई मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है तो विलियम जेम्स को जाता है और यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है तो विलियम जेम्स को माना जाता है छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तिगत वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं तो यह जो है पिनिक, आ, पिकनिक्स की श्रेणी में जो है आते हैं व्यक्तिगत मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो एडलर हैं किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो बंदूरा और वाल्टर्स ने किया था कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं सिक्सटीन पी का प्रयोग मापन हेतु किया जाता है व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है पावलाओं ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था तो चूहे पर प्रयोग करके किया था किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तो किशोरावस्था में बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है जिन पियाजे को जाता वह की बच्चों के सीखने में में निम्नलिखित से किस कारक महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं तो सामाजिक पर जो है मह, बहुत ज्यादा बल देते हैं शिक्षक का वर्तमान वर्ताव कैसा होना चाहिए तो शिक्षक का वर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए बालक व्यक्तित्व के, के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसने व्यवहार की व्यवहार की जो है जानकारी शिक्षक से ली हो बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं यह निष्कर्ष के मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है तो एल्बर्ट बंडूरा के समाजीकरण का अर्थ है तो समाजीकरण का अर्थ क्या होता है समाज में समायोजित होना समाजीकरण का अर्थ होता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है तो किशोरावस्था अवस्था के दौरान होता है अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए तो स्नेह और सहानुभूति पूर्व रखना चाहिए समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व तो कौन से हैं तो परिवार होता है और पड़ोस होता है मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है तो अमूर्त चिंतन है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो नैतिक तरकड़ा कहा जाता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह बच्चा वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है तो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था तो कर्ट लेविन ने दिया था स्टाल्ट वादी क्या है तो जर्मन के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर कोफा वर्दिमन शामिल हैं। लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे तो ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे क्वेश्चन क्या है क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है तो क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत बाल दिशा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है तो क्षेत्र का अर्थ होता है शिक्षा का क्षेत्र स्वास्थ्य का क्षेत्र अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था तो रॉबर्ट गेने ने दिया था रॉबर्ट गेने ने किस संप्रदाय के समर्थक थे संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया तो अल्फ्रेड बीने ने किया और इन्होंने बुद्धि के दो प्रकार बताए मानसिक आयु बुद्धि और जो है वास्तविक आयु बुद्धि अल्फ्रेड वीने किस विषय के प्रोफेसर थे ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे बहुबुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया तो अल्फ्रेड बीने एवं उनके सहयोगियों ने दिया स्टर्न टर्मन और साइमन ने स्वयं की भावनाओं तथा तो संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है तो भाषाई बुद्धि कहा जाता है बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है मानसिक विद्वान ने किया तो बीने साइमन ने किया 140 से अधिक बुद्धि लब्धी आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे तो प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है यह कथन किसका है तो क्रो एंड क्रो का है मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया तो बीने साइमन ने दिया इलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है तो तीन के आधार पर किया है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझ, आ, समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं यह किसने कहा है तो कॉल सनिक ने कहा है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था अवस्था तक पहुंचता है यह कथन किसका है तो जड़शील्ड का है 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है तो जड़ बुद्धि बालक कहलाता है और तो अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है तो असुरक्षा है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है बच्चे के रोने का कारण है तो संवेगात्मक दुश्चिंता है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है तो लिखना है किशोर का अनुभव कर सकते हैं तो किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है तो मेरा परिवार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है यह कथन है तो उडवर्थ का है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है तो स्वनिम है पूर्व ग्रह किशोर या किशोरी अपनी प्रति कठोर होंगे तो समस्या के प्रति कठोर होंगे बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है तो बाल्यावस्था में दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है तो किशोरावस्था है बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है तो इनका क्रम क्या होता है रोना बबलाना और हाव भाव बालक सबसे पहले क्या बोलता है तो वह व्यंजन व्यंजन बोलता है वह सबसे पहले शब्द बोलता है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है तो परिवार का वातावरण इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है तो स्कीनर के अनुसार बाल्यावस्था होती है तो बारह वर्ष तक बाल्यावस्था होती है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है तो अधिगम एवं वृद्धि जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से तात्पर्य है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो मंडल। श्याम्पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो अक्षी लिखावट का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि सात से ग्यारह वर्ष तक होती है वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है तो विद्यालय एवं कक्षा में जो है किया जा सकता है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है तो जिन पियाजे को जाता है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक तथा सैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है यह किस विद्वान ने कहा है तो यह कथन जो है स्ट्रेंग ने कहा है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है तो संकेत अधिगम जो है अधिगम का सबसे निम्न स्तर होता है रॉबर्ट गेने ने श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है तो समस्या समाधान अधिगम रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है तो 12 वर्ष के उपरांत जो है अधिगम पूरा हो जाता है शास्त्री अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ने जो है दिया था पावलाय के समर्थक थे तो यह जो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे डमरू पर बंदर का नाशना किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है खेत में बीजुका पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक तो छात्र का की आवश्यकताओं को ध्यान रखना है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा दिया जाना यह इसका अर्थ है प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया तो प्रोजेक्ट विधि को जो है जन्म दिया कक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था तो विलियम जेम्स था बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो यह कथन किसका है तो मेकेन्स ने कहा है शिक्षक आचार संहिता क्या है तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है शिक्षकों की योग्यता प्रयासों एवं यो उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है तो उसके छात्रों के द्वारा किया जा सकता है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुत कर, प्रस्तुतिकरण के द्वारा किया जा सकता है सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है तो पूर्व किशोरावस्था को ही जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के जो है संदर्भ में है उसको कहा जाता है छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है सहसवा की प्रमुख विशेषता नहीं है तो चिंतन प्रक्रिया मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है तो आश्चर्य है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है तो हॉर्लॉक के अनुसार लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं तो नैतिक विकास के क्षेत्र में बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है तो कौन सा था किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किससे संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत का परिणाम है विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास के कारण शारीरिक विकास का क्षेत्र है मंडल जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है आकार सच समझ कौशल में बुद्धि बाल विकास का सही क्रम है तो बाल्यावस्था किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था विकास शुरू होती है तो प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू होता है वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है तो यह एक दूसरे के पूरक होते हैं परिपक्वता का संबंध है विकास से वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत किशोरावस्था की अवधि है बारह से उन्नीस वर्ष तक की की अवधि होती है विकास कैसा परिवर्तन है तो विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है का संबंध किससे है तो आकार व भार से जो है वृद्धि का संबंध है किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतर सीमा पर पहुंच जाता है तो पंद्रह से बीस वर्ष तक नाम की चिमपैजी पर किसने प्रयोग किए तो कोहलर ने जो है प्रयोग किया है गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है तो 10 से 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है मनुष्य की प्रजाति का नाम है तो होमो है। पिंड अवस्था का समय है दो सप्ताह से आठ सप्ताह लगभग डिम्ब अवस्था का समय है चौदह दिन तक होता है जन्म के समय बाला का औसतन वजन होता है तो दो किलो से सात सौ ग्राम जन्म के समय बालक का वजन होता है तो साठ पाउंड होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था तो 2009 में बना था शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है तो पूर्व संक्रियात्मक चरण पर कोहल वर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है तो कैसे कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जिन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है तो उसको जो है समावेशन कहते हैं विकास कौन सी अवस्था से शुरू होती है तो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है तो किशोरावस्था अवस्था के दौरान होता है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है तो फ्रॉबेल है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किससे संबंधित है तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है बच्चे के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई तो जिन पियाजे के द्वारा की गई परिवार एक साधन है तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकता है तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करके विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए तो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं तो किशोरावस्था में बनते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा दोनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है इदम में बालक सबसे पहले किस भाषा को पहचानता है तो बालक सबसे पहले माँ की आवाज को पहचानता है और इसी को मातृभाषा कहते हैं बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है तो पाँच वर्ष की उम्र में बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है तो अपने परिवार से होता है छठवीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है तो पचास हजार शब्दों तक होता है दसवीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार कितना होता है तो अस्सी हजार शब्दों तक होता है लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा के सीखने के साधन जो है पहला देखिए अनुकरण द्वारा यानी दोहराकर खेल खेल विधि द्वारा कहानी सुनकर वार्तालाप द्वारा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा स्कीनर किस संप्रदाय के समर्थक थे तो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है तो अंतर का सिद्धांत बल देता है दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया तो कोहलर ने दिया मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत उपयोगी है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया तो ब्रूनर ने दिया किस संप्रदाय के समर्थक थे तो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है तो क्षेत्रीय सिद्धांत गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है तो संपूर्ण या समग्र जो है गेस्टाल्ट का अर्थ होता है मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 350 ग्राम होता है वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1400 ग्राम होता है दो बार आने वाले दांतों की संख्या है तो बीस होती है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन किसका है तो यह कथन अरस्तु का है बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है तो सहस्वावस्था में होता है बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है बाल्यावस्था को कहा जाता है बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है किशोरावस्था अवस्था में उत्पन्न होती है अगला प्रश्न क्या है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया तो बंडूरा और बाल्टन ने दिया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो इरिक्सन ने दिया